हमारे पास एविडेंस है मैम आप उसको अपने चैनल पर दिखाइएगा कि हमने इनको डायरेक्टली कॉल नहीं किया क्योंकि मैम इसी स्टूडियो में बैठ कर इन्होंने हम, हम पर आरोप लगाए थे हमारे पास प्रूफ है देखिए टी सीरीज का आपने क्यों नहीं दिखाया मित भाई पहले इंटरव्यू में इन्होंने क्लियर कर दिया कि अभिषेक ने वो करवाया है दूसरे मैम ये डाउट में चले गए

हेलो हाय वेलकम टू एन टी एन लाइव मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और शिवानी कुमारी इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं बिग बॉस ओ टी टी थ्री में आप उन्हें देख पा रहे हैं बिग बॉस के घर में और शिवानी जितनी हरकतें अंदर कर रही हैं चाहे उनका चुलबुलापन हो या फिर उनका अक्खड़ अंदाज हो उतनी ही कॉन्ट्रोवर्सीज अब बाहर भी कहीं ना कहीं जगह लेने लगी है बाहर की जब हम बात करते हैं तो एक शख्स अमित मिश्रा नाम के सामने आए जिन्होंने कहा कि दावा किया कि वो शिवानी के बॉयफ्रेंड हैं इसके अलावा उन्होंने शिवानी के

शिवानी से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगी कुछ सवाल आपसे जुड़े पूछूंगी और कुछ सवाल अमित जी से जुड़े ओके, पूछूंगी। ओके, ओके, सबसे पहला सवाल जो है वो यही है कि क्या वाकई आपने उन्हें थ्रेट किया था या उनके चैनल पर स्ट्राइक भेजी थी स्ट्राइक से शुरू करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी. आ, जिस तरीके से पिछले पांच दिन हम परेशान रहे हैं हुँ. और मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी उनको वीडियो बनाकर प्रूफ देने की कोशिश की थी प्लीज़ भाई मैंने स्ट्राइक नहीं मारी है तो हमारे ऊपर ये झूठे आरोप मत लगाइए इसके बाद हमारे पास एविडेंस है मैम आप उसको अपने चैनल पर दिखाइएगा और ये जो आरोप इन्होंने हमारे ऊपर लगाए हैं जैसे कि फर्स्ट इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कि अभिषेक ने हमारे चैनल पर स्ट्राइक मरवाई है और इन्होंने साइबर सेल का नाम लिया साइबर सेल से चीज़ें निकलवाई हैं तो अभिषेक का नाम आ रहा मैम ये स्क्रीन देखिएगा टी सीरीज कंपनी की तरफ से इनको आर्टिस्ट स्ट्राइक आई है टी सीरीज ने ये इनको स्ट्राइक मारी हैं इनको पूरी जानकारी थी क्योंकि मैम जब स्ट्राइक आती है तो मेल आती है जी। कि किस कंपनी किस व्यक्ति के द्वारा आपको इस है। तो इनकी ये सोची समझी चाल थी साजिश थी मुझे की इसमें मुझे लगता है देखो लोग नहीं चाहते कि शिवानी कुमारी बिग बॉस तो ये हमको डाइवर्ट करना चाहते थे हमको बदनाम करना चाहते थे और हम पांच दिन से इतने ज्यादा परेशान हैं है मैम कि हम वो काम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीइंग अ मैनेजर आपके पास बहुत जिम्मेदारियां होंगी इस वक्त की और हमने इनसे बोला इनके कोई मित्रगण थे तो मैंने बोला कि देखिए आप आप बोल रहे हैं कि चैनल इनका जा रहा चार मिलियन का तो हम हमने इनसे ऑन कैमरा ही बोला और इनके मित्र को कॉल करके ही बोला क्योंकि हमने इनको डायरेक्टली कॉल नहीं किया क्योंकि मैम इसी स्टूडियो में बैठ कर इन्होंने हम हम पर आरोप लगाए थे कि वो पर्सनल हमको हार्म पहुँचा रहे हैं जी, हाँ जी। एक फर्स्ट इंटरव्यू में पाँच बार उन्होंने बोला वो हमको हार्म पहुँचा रहे हैं हैं हम फोन कॉल्स आ रहे हैं इसलिए मैंने इनको एक भी कॉल नहीं की इनके मित्र को मैंने कॉल की उन्होंने भी हमारी बात नहीं कराई एटलीस्ट कल रात में हमारी बात कराई मैंने उनसे बोला था रिक्वेस्ट कर भाई आप जहाँ बताओगे जिस थाने बताओगे जिस साइबर क्राइम बताओगे मैं आऊँगा आप हमारी पूरी चेकिंग करिए लेकिन प्लीज़ हमको झूठा बदनाम मत करिए मैम हमें छः साल मेहनत की यूट्यूब पर शिवानी आज वहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचे मैम हम पाँच साल पाँच दिन से हम खाना नहीं खा पा रहे मम्मी मैम नहीं मिले हमें एक महीने से कि शिवानी जी अभिषेक हम आपकी बात समझ सकते हैं थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा थोड़ा सा अपने आप को समझाइए क्योंकि अब हम यहाँ पर हैं ही तो सारी बातें एक बार कर लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर है आ, जो चीज़ें आपके अंदर हैं आ, हम लोग मैम तो हम फोन कॉल्स नहीं उठा पा रहे हैं लोग पूछते यार अब हम हर संडे को रखते हैं जो जो बहन बेटियाँ आती शिवानी से मिलने और यूट्यूब की जानकारी लेते हम उनके सामने कैसे खड़े हो पाएंगे मैम नेशनल मीडिया पर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं हमारे पास प्रूफ है देखिए टी सीरीज़ का आपने क्यों नहीं दिखाया अमित भाई आप क्या हमसे दुश्मनी ये एक वीडियो में कह रहे हैं तीन साल से हमारी कोई बात नहीं हुई अभिषेक से ये मैंने ही बोला है और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और फिर बोलने हमसे हम सिर्फ हमारी दुश्मनी सिर्फ अभिषेक से है, है और वही स्ट्राइक मरवा सकता है पहले इंटरव्यू में इन्होंने क्लियर कर दिया कि अभिषेक ने वो करवाया है दूसरे मैम ये डाउट में चले गए जी जी अपने स्टेटमेंट में खुद क्लियर नहीं है चलिए अभिषेक अब मैं आपसे एक एक करके शुरू करती हूँ इनका पहला स्टेटमेंट था कि शिवानी अभिषेक को पहले भाई बोलती थी पर अब वो उनका बॉयफ्रेंड है क्या ये बात सच है मैम देखिए मीडिया में लोग क्या बोल रहे हैं ठीक है कोई भी पत्रकार जाते अपने व्यूज के लिए गाँव में किसी को पकड़ करके फालतू क्वेश्चन करते हैं ठीक है? है। तो है। है। और काम को ज्यादा टारगेट करते हैं है, है। है है। है। और हमको शिवानी घर से लेकर गांव तक क्षेत्र में हर लोग हमको सम्मान के नजरिए देखते हैं है। और जो कमेंट आ रहे हैं आप देखिएगा 99 परसेंट कमेंट हमारे लिए पॉजिटिव है तो जनता हमारे साथ है मैम हमने काम किया जेनुअन काम किया है और जलने वाले लोग में मैं ऐसा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि शिवानी और उनके बीच जो रिश्ता था उसको खत्म करने वाले कही न कहीं ना कहीं अभिषेक हैं क्योंकि वो बीच में आए और उन्होंने शिवानी को भड़काना शुरू किया उन्होंने बोला है कि वो हमारा पास्ट खत्म करना चाह रहे हैं। जी 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 शिवानी के साथ जो वीडियोस उन्होंने बनाए हैं जी आ, वो उनको डिलीट करवाना चाहते हैं फ़ोन कॉल आ रही है मैम शिवानी के चैनल पर अभी एक उनके साथ का कवर सॉन्ग पड़ा हुआ है उसमें मेरे ख्याल से 33 लाख व्यूज़ भी हैं मैंने जब अपने चैनल से मैम मैंने वो डिलीट नहीं किया तो हम दूसरे चैनल से कैसे डिलीट करवाएंगे मुझे क्या मतलब मैम तीन साढ़े तीन साल से हमारी कोई बात नहीं हुई है फिर साढ़े तीन साल के बाद हमें ए वी पी लाइव पर उनका इंटरव्यू दिखता है जिसमें वो हमारे खिलाफ़ नफरत फैला रहे हैं इसी को क्लियर करना है बहुत सी बातें हैं तो ये तीन तो साल बाद अचानक से वो कैसे उठ के आए थे मालूम नहीं देखिए मैम अगर वो जिस तरीके से बोल रहे हैं आ, कि हम शिवानी बहुत सुख चिंतक हैं और हम रिलेशनशिप में हैं तो शिवानी बहुत अच्छा जवाब देंगे जब निकलेंगी जो कुछ भी होगा उनका लेकिन हम ये इनसे कहेंगे कि जब शिवानी के आ, मामा जी एक्सपायर हो गए थे जिसे शिवानी बहुत प्यार करती थी शिवानी की मम्मी कई बार तबीयत खराब हुई है और तब आप कहीं नहीं दिखे और आज जब शिवानी बिग बॉस में है पूरा देश जान रहा उनका तब आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई आप सीधा मीडियाबाजी करने लगे अच्छा उनका ये कहना था कि आप कहीं ना कहीं उनको फोर्स कर रहे हैं आप उनके चैनल पर जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्राइक मार रहे हैं प्लस उनका एक और सवाल था एक सवाल ये भी था कि शिवानी ने बिग बॉस के अंदर उनका नाम नहीं लिया ये नहीं एक्सेप्ट किया कि उनका बाहर कोई बॉयफ्रेंड था ये नहीं एक्सेप्ट किया कि वो लड़कों से दोस्ती करती हैं कहीं ना कहीं वो ये सब आपके कहने पर कर रही हैं क्योंकि आप और शिवानी की कोई मिली हो सकती है क्या ये सच है अभिषेक मैम आपने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जी आप थोड़ा टुकड़ों में पूछती मैं टुकड़ों में पूछती हूँ क्या शिवान क्या आपने शिवानी का और उनका रिश्ता खत्म करने की कोशिश की मैम हमारे अकॉर्डिंग तो रिश्ता था ही नहीं तो हम खत्म क्या करेंगे और हमने खत्म करने का प्रयास भी किया है तो क्या एविडेंस है कुछ तो होगा मैंने क्या कोशिश की है मैंने तो कोई कोशिश नहीं की है ये बताइए ये बोले हमारा पास्ट खत्म कर रहे हैं हम हमारे शिवानी का चैनल पूरा हम ही हैंडल करते हैं हम ही ने क्रिएट किया सब कुछ हमें जब हमने अपने चैनल से आपके वीडियोस नहीं हटाए तो आप कैसे कह सकते ये सारी चीजें जब कोई रिश्ता ही नहीं है फिर आप ये चीजें कैसे कह सकते मुझे ये नहीं विश्वास इतने बड़े 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 झूठ कैसे बोल रहा कोई तो उन्होंने उनका उन्हों कहना है कि उन्होंने ही आपको सिखाया है आपको ज्यादा कुछ पता नहीं था आता नहीं था जिसके बाद अमित ने ही आपको गाइड किया आपको सिखाया और जी आपको ये बात उन्होंने चैनल इंटरव्यू में बोली है बड़ा मजा किया है दंता सब कुछ जानती है मैम 2018 से हमने YouTube शुरुआत किया था नॉलेज सर्कल हमारा एजुकेशनल चैनल था वहाँ से जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो आज तक हम अप्लाई करते हैं और हमने पैसा सिर्फ नहीं कमा मैम हमने मान सम्मान कमाया जो मान सम्मान हमको मिलता है आज जब शिवानी को बिग बॉस घर के अंदर जनता की जरूरत पड़ती है तब ये लोग खड़े होकर शिवानी को सपोर्ट करते हैं और जब आज बाहर शिवानी को और हमारे के ऊपर लगा लगाया गया है तो हजारों की संख्या में लोग कमेंट करते हैं मैम और जो शख्स आरोप लगाता है वो परेशान होकर इसी स्टूडियो में कहता है कि हमको लोग गालियां दे रहे हैं आपके 42 लाख सब्सक्राइबर थे आपके पक्ष में बयालीस हजार लोग नहीं खड़े हैं और यहाँ दो मिलियन ढाई मिलियन शिवानी के नहीं साठ हजार हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं तो हम ये कहीं ना कहीं हमारा काम तो बोलता है हमने आज तक किसी ऊपर आरोप नहीं लगाए और मैंने बोला उनसे मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से बोला कि भाई कुछ भी है अगर मैंने गलत किया तो आप कंप्लेन करिए शिवानी ने गलत किया कंप्लेन करिए आप ठीक है कानून व्यवस्था किस लिए है देश में हमारी जो मेहनत है चार पाँच छह सालों की आप तुरंत दो मिनट में उसको बर्बाद करना चाहते हैं कैसा संभव होगा आप कह रहे हैं कि शिवानी का और उनका कोई रिश्ता नहीं था आ, उनका कहना है कि शिवानी उनकी फैमिली से मिली थी उनका उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता था लेकिन आप इनसिक्योर हो गए और आपने ये किया कि दोनों को अलग करवाने की कोशिश उनका स्टेटमेंट है वो हम बोलना चाहेंगे आपसे वो बोलते हैं कि शिवानी ने हमसे बोला की हम आपके पिताजी से मिलना चाहते हैं और उनसे शादी की बात करना चाहते हैं जी आ, मेरे ख्याल से शिवानी सत्रह साढ़े सत्रह की उम्र होगी उस समय मैं शिवानी के साथ नहीं था उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था अपना आ, मैं चैनल सिर्फ अपने फोन पे ही खोले रखता था और शिवानी का मुंह बोला भाई वैभ भी गए थे उनके साथ में पढ़ाने साथ में रहते थे तो एक सत्रह साल की लड़की इनके घर पे जाती है और बोलती है पापा से बात करने आपके पापा से बात करनी है शादी के बारे में और ये देखिए मैम कितना मतलब बचकाना सा स्टेटमेंट रहा कि पापा इनके मान भी गए एक नाबालिग से शादी करने के लिए तैयार भी हो गए आप भी मैम बहन बेटी हूं किसी को समझिए इस चीज को वो मान भी गए तो हम अमित भाई के जो पिताजी हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि सर आप कितनी सच्चाई है इसमें शिवानी गई थी घर गई थी उनके शूट चल रहा था जैसे कि वैभव उनके साथ में रहता था वैभव भाई लगता है शिवानी का तो वैभव शिवानी के साथ शूट चल रहा था तो उन्होंने तो थे। थे। आठ दिन, तो दिन चीजें इतनी बढ़ जाएंगी और जो फोटोज ये रिलीज किए हैं ये शूटिंग के दौरान अच्छा दोनों करीब नजर अभी शिवानी आएंगी तो क्लियर कट करेंगी अच्छा उन्होंने ये भी कहा था कि शिवानी कि वो एक शूट के लिए वापस लखनऊ से आए थे मिलने नहीं दिया आपने कहा कि शिवानी नहीं मिल सकती हैं शिवानी का फोन ऑफ था जब ये चौदह पंद्रह किलोमीटर आगे चले गए उसके बाद शिवानी ने इन्हें कॉल करके बुलाया और ये वापस आए तो आप का इसमें क्या रोल था उसमें ये भी बोला है कि शिवानी हमारे साथ जाने के तैयार जी उन्होंने कहा था कि घर से हाँ। लड़के जाऊंगी लेकिन जाएंगी दुनिया जानती शिवानी का चरित्र और स्वभाव इस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है शिवानी आकर खुद डिस्क्राइब करेंगी हम ये चाहते हैं ये स्क्रीनशॉट चलवाइए मैम ये गूगल की तरफ से मेल आए हैं इनको टी सीरीज ने इनको, इनको स्ट्राइक दी है जब टी सीरीज ने इनको स्ट्राइक दी है तो आरोप हमारे ऊपर क्यों लगा इन्होंने जी शायद अमित मिश्रा को ये नहीं मालूम है देश में कानून व्यवस्था भी है प्रशासन भी है तो प्रशासनिक चीजें सब चलेंगी अभी शिवानी को फेक कहा है उन्होंने उन्होंने कहा है कि शिवानी जिस तरीके की हैं दरअसल वो वहाँ बिग बॉस हाउस के अंदर वैसे नहीं पेश आ रही हैं और उनका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने एक तरफ ये कहते हैं शिवानी के बहुत बड़े शुभ उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी और फर्स्ट इंटरव्यू में चार से पांच बार इन्होंने शिवानी के खिलाफ चीजें बोली है जैसे आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए है, 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 है। हाँ, जवाब दिया था कि जो कर रही है वो है नहीं जो है वो कर, नहीं कर नहीं रही, है। रही है फेक बन रही हैं तो आप एक तरफ से शिवानी को अपना ही बोल रहे हो शुभ चिंतक भी बता रहे हो तो ये फिर बचकाना वाली बातें क्यों कर रहे हो और भी चार पांच चीजें जैसे अरमान मलिक के साथ जी, ने, जी, बहुत सारी जी, जी जो में आ रही है उनके पास मैंने तो प्रूफ रख दिया अब वो भी तो प्रूफ रखे उन्होंने तो कहा कि मैं तो इमेज खराब ना हो इसलिए प्रूफ्स के साथ बात नहीं कर रहा हूँ मैंने बोला अभी तीन साल तक कहा थे जब शिवानी के सामने मुसीबत थी तब कहाँ थे और आज जब शिवानी बुलंदियाँ छू रही तो अचानक से आ गए आप उनका कहना है कि हमने तो साथ में आकर के म्यूचुअल डिसीजन लिया था कि हम शादी के बाद एक साथ काम करेंगे शिवानी आएंगी वो पूरा जवाब देंगी इस चीज़ का बहुत अच्छे से वो जवाब देंगी जनता जानती वो कितनी मजबूत लड़की है जी तो बहुत अच्छे जव, ज़... इसके जवाब देंगे और जो भी ऐसी हरकतें करेगा तो मैम भारतीय कानून उनके

उन्होंने बोला कि मैं शिवानी का बहुत शुभ चिंतक हूँ रिलेशनशिप में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें जी जी और इसके बाद में जब उन्होंने बोला कि अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिलता है तो क्या करेंगे हुँ. तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाऊंगा और मैं पूछूंगा हुँ. और बोल रहे हम तीन साल से इंतजार कर रहे हैं जब तीन साल से इंतजार कर रहे हैं तो आपको पंद्रह दिन का इंतजार नहीं हो सकता था जो इनके वक्तव्य है दुनिया जान रही कि कौन किस लिए ये कर रहा है छोड़िए क्या आप बोलें लेकिन इनको जवाब तो देना पड़ेगा अगर हम आज दुखी हैं हम सीरियसली दुखी हैं हम पाँच दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं और हम अभी हम और हमारी बहुत बड़ी टीम नहीं है जो भाई लोग हैं छः साल लोग वो मिलकर काम करते जैसे तैसे पाँच छः दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं जिसमें शिवानी का जो इंस्टाग्राम है यूट्यूब है वो वो भी कहीं ना कहीं उसमें खमियाजा भुगतना पड़ा हमको अगर हम प्रॉपर काम करते तो डेढ़ दो लाख फॉलोअर्स में और इंक्रीजिंग होती जिस जिस तरीके शिवानी का अच्छा काम चल रहा है और शुरू से लोग कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि शिवानी बिग बॉस में अच्छा करें तो ये सडेंथ है मैम कि हम डाइवर्ट हों अपने मकसद से हम शुरू से लगे हुए हैं कि शिवानी को कैसे जिताना यहाँ तक कि मैम शिवानी की जो भतीजी है बारह तेरह साल की आपने देखे होंगे आप मिली है उनसे तो मैम वो व्लॉग नहीं कर पाती थी लेकिन सुबह उठती है अभी मम्मी उनकी नहीं वहाँ चली गई थी उनकी अम्मा तबीयत खराब थी तो वो बेचारी अकेले सुबह उठती थी खाना बनाती थी स्कूल जाती थी फिर व्लॉग बनाती थी फिर एडिट करती थी बेचारी वो पंद्रह पंद्रह घंटे काम कर रही है एक बारह तेरह साल की बेटी कि हमारी मौसी जीत के हैं लेकिन ऐसे लोग मैम आरोप लगा रहे जनता सब देख रही है और जनता हमारे साथ है हम आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग शिवानी को जब को जब अंदर दिक्कत हुई तब तो आप लोग बाहर सपोर्ट करते हैं अब शिवानी को शिवानी को जब बाह, बाहर बाहर दिक्कत है लोग बदनाम तब भी आप लोग सपोर्ट करें मैम ये हमने कमाया है ये प्रेम है हम लोगों का इन लोगों का ये बहुत चाहते हैं हम लोगों का हुँ, हुँ. अच्छा थोड़ी सी और इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि आ, शिवानी की उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं उनको पैंसठ स्ट्राइक्स एक साथ आई हैं छः को सबसे पहले आपने स्ट्राइक मारी फिर उनके पास एक चैनल की तरफ से स्ट्राइक आई और चौदह को उन्होंने स्ट्राइक दी जिसके बाद सोलह सत्रह में सत्रह अठारह में उनका चैनल जो था वो जाने वाला था टर्मिनेट होने वाला था और उसके पहले ही उन्होंने सोचा और उन्हें डाउट था आप पे क्योंकि पैंसठ स्ट्राइक्स एक साथ आई हैं कोई और उनका दुश्मन नहीं है, है, उन्हें आप पर डाउट है। ये चीज़ उन्होंने बोली। वो अभी बहुत ज़्यादा है। हैं। कि अब ने मरवाई है। दूसरे हो जाते है। कल रात में उनके मित्र ने बात करवाई थी तो हमने अमित से बोला कि आप अपने स्टेटमेंट तो क्लियर रहिए जो आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा है हमें ये जाकर उसके खिलाफ ये झूठ आरोप लगाने तो उसको बोलिए रखे ठीक है क्योंकि हे, 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 जब कानूनी कार्रवाई होती है ना मैम तो बहुत बारीकी से चीजों की जांच होती है तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा मैम आज हम कष्ट में हैं कष्ट इस बात का है हमें कष्ट किसी बात का नहीं कष्ट इस बात का हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं जो हम हमने मेहनत की है पांच छह साल में वो आज जब सफलता के बिल्कुल पढ़ाव पे है तब लोग हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते आज हम दुखी हैं लेकिन मैम कमजोर नहीं है बदला हर चीज का होगा और बहुत प्रशासनिक तरीके से होगा उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में तो हम है ना हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोगों को प्रूफ दिखा रहे हैं भैया हमने कोई स्ट्राइक नहीं मारी आप हमारा फोन चेक करिए आप हमारा लैपटॉप चेक करिए प्रॉब्लम तो हमें है ना मैम हम अपनी मम्मी से नहीं मिले एक महीना से क्योंकि शिवानी जीते कष्ट तो हमें है ना मैम अच्छा अब अभिषेक से हमने इतनी बातचीत की अभिषेक के साथ अलका जी हैं अलका जी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं इसके अलावा वो आ, अमित को भी जानती हैं और अभिषेक को भी जानती हैं दोनों के लिए एक कॉमन लिंक है तो अलका जी आपका yes. बहुत बहुत स्वागत है आप किस तरीके से अपनी बात रखेंगे क्या एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था आपने बताया कि शायद अमित ने भी आपको कॉन्टैक्ट किया था hmm. स्ट्राइक को लेकर कोई बात हुई थी फिर उनको आप कुछ जानती हैं क्या जानती हैं आप एक्चुअली uh, मैं क्या है कि मैं दोनों को ही देखती हूँ और hmm. शिवानी काफ़ी अच्छा काम कर रही है hmm. मेरे पास जितने भी क्रिएटर हैं सबसे कनेक्शन में हैं और सबसे बातचीत होती हैं hmm. जब अमित मिश्रा के चैनल पे स्ट्राइक आई थी hmm. तो मेरे पास उनके ही कुछ फ्रेंड्स जो क्रिएटर हैं hmm. उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट uh, किया और इमीजिएट मुझे रात को मैसेज आया कि अलका जी और ऐसे ऐसी बात हो गई है आप प्लीज़ उनका चैनल बचा लीजिए तो उसके पहले यूट्यूब पे कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी जो खत्म करा दी गई कि भाई सब परेशान होते हैं कॉन्ट्रवर्सी का कुछ भी हल नहीं है yeah. उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब उस रात को मुझे बताया गया कि प्लीज़ वो बहुत परेशान है उसके चैनल पे इतनी स्ट्राइक्स आई है yeah. और 40 लाख का चैनल है आई थिंक उससे ज़्यादा होगा yeah. वो चला जाएगा आप प्लीज़ उसकी बहुत रिक्वेस्ट किया गया था मुझसे yeah. मैंने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ फिर मैंने एक अन्य क्रिएटर से बात करी जिसके पास उस टाइम में अमित मिश्रा और एक और क्रिएटर फ्रेंड्स मौजूद थे मेरी बात हुई मैंने कहा ठीक है परेशान मत होइए yeah. क्योंकि जब ही आता है जैसा कि अभिषेक ने बताया कि मेल आती है मैंने कहा ठीक है इस पर हम आ, कुछ करेंगे और फिर स्ट्राइक्स हट जाती हैं मैंने कहा आप मुझे मेल भेज दो मैं मेल को देखती हूँ मेल पे ही काम होगा क्या कुछ हुआ है फिर उनके क्रिएटर फ्रेंड जिसके घर वो रुके थे उन्होंने मुझे वो मेल फॉरवर्ड करी उसको लैपटॉप से फ़ोटो क्लिक करके आईफोन से उन्होंने मुझे भेजा जब मैंने फ़ोटोज़ देखे तो फिर उसके ई के तो मुझे बड़ा झटका सा लगा क्योंकि जो स्ट्राइक आई थी उसे स्ट्राइक पे साफ लिखा था कि टी सीरीज कंपनी के थ्रू ये स्ट्राइक आई है एंड जब उस मेल को मैंने एक बार गूगल से चेक किया तो वो वैलिड मेल आईडी थी और वो टी सीरीज के लाइसेंस होल्डर की थी जो उसको टैकल करते हैं जो सॉन्ग वगैरह उन्होंने किया मेरे उसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि स्ट्राइक कब स्ट्राइक एक लीगल प्रोसेस है जब हम किसी को स्ट्राइक देते हैं तो स्ट्राइक एक लीगल प्रोसीजर जहां पे हम शपथ लेते हैं कि ये कंटेंट या ये जो भी है हुँ. ये हमारा है एंड इसका ओनरशिप मुझे है इन्होंने मिस किया है हुँ. तो यूट्यूब जो है उसके थ्रू ही स्ट्राइक को लेता है एंड टेक डाउन कर देता है वीडियोस को हुँ. अब क्या होता है कि उसमें सात दिन का जो भी टाइम मिला था तो उस दौरान जब मैंने मेल देखा तो मैंने कहा देखो इसमें ये रीजन है टी सीरीज है एंड ये वैलिड मेल आईडी है यहाँ पे किसी का भी कोई कनेक्शन नहीं है तो वहां पे, पे अभिषेक का नामो निशान नहीं था हुँ. रात की बात मैं बता रही हूँ उस टाइम पे किसी अन्य क्रिएटर पर शक था कि उन्होंने करवाया है मैंने कहा देखिए एक कभी कंपनी होती है जब और चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके एम्प्लॉय का इतना राइट्स नहीं होता है कि वो पर्सनल ग्रेजेस पे अपना काम करे क्योंकि वो खुद हायर किया का, तो फिर तो गया। मैंने कहा कि आप डाउट कर रहे हो करो नो इश्यूज डाउट वहां पे किया जाता है जब हमें सामने से कुछ दिखता नहीं है ठीक है जब हमें सामने से चीजें दिख रही हैं वो भी वैलिड दिख रही है मैंने एक दिन पहले 11 जुलाई को ही मैंने क्लियर कर दिया था कि ये वैलिड है और यहाँ पे आपने उनके म्यूजिक को मिसयूज किया है मिस hmm. यूज किस तरीके से किया है शॉर्ट वीडियो पे भी आती है स्ट्राइक जब हम किसी के ओरिजिनल कंटेंट को उसमें रिमिक्स करते हैं छेड़छाड़ करते हैं तो उनका जो है वो खराब होता है दैट्स वाई उन्होंने स्ट्राइक दिया था वो नोटिस में तब आता है जब हम बल्क में काम करते हैं उन्होंने एक किया और इनके चैनल पे मैंने जब लाइव में देखा था ग्यारह तारीख की रात को सिर्फ आठ स्ट्राइक थी और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और उस उसपे एक कम्युनिटी गाइडलाइन थी आपके पास ये सारे सबूत होंगे जी मेरे पास एक प्रूफ है मैं आपको पढ़ती हूँ आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा उस पर साफ साफ लिखा हुआ है जी मैं चाहूंगी कि आप एक बार पढ़ के खुद ही सुनाएं नहीं, प्लीज नहीं, तो नहीं, आप, आप नहीं इस पे लिखा है हाय अमित मिश्रा ऑफिशियल वी रिसीव्ड दॉपी राइट रिमूबल रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो बेस्ड ऑन एप्लीकेबल कॉपीराइट लॉ मैंने कहा ये सब प्रोसेस होता है लीगल जहाँ पे देते हैं और वहाँ पे उन्होंने वीडियो टाइटल भी लिखा है लड़की तो होशियार निकली ये शॉर्ट इन्होंने बनाया था जिसपे कंटेंट यूज किया गया है तुमसे मिलके दिल का जो कि सॉन्ग का टाइटल है, है। यहाँ पे टी सीरीज का मेल है और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे चल रहा होगा वरुण अरोरा जो कि मेल आईडी है वहां से स्ट्राइक आई है और उस पर लगातार उन्हीं पे स्ट्राइक आई है सेम आईडी से तो मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए आप वहाँ से कनेक्ट कीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है मुझे सवाल इतना करना आज मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ एक ऐसे लड़के के लिए हूँ जो अनायास में घसीटा गया है मुझे एक सवाल और करना है अमित जी से कि अमित जी को जब मैंने चीजें वाया वाया समझा दी थी कि चीजें ये लीगल है आपको लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप सही हैं मैं अभी भी बोल रही हूँ अगर आप सही हैं आपके चैनल पे जो भी चीजें हुई हैं आप प्लीज लीगल मैंने लीगल भी तरीका बताया था कि आपको कैसे जाना है वहां पर वो जवाबदेही टीसीडीस की बनेगी वो देंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है लेकिन बात जब अभिषेक तक आ गई या किसी भी बंदे तक आती है तो आप पर्दे के पीछे की चीजों को कैसे देख लिए किस तरीके से पता चला कि अभिषेक ने ही स्ट्राइक दी है जबकि वहां सामने से प्रूफ लगा हुआ है ये स्ट्राइक टी सीरीज कंपनी के जरिए आई है।, है दूसरी बात अमित जी ने जो अभी आपने कहा कि आ, तीन साल तक हमारा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हम अलग हो गए थे मैं आपसे एक बार सवाल करूंगी कि अगर मान लीजिए आप किसी से रिलेशन में हैं है। और वहां पे आपके किसी से भी ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो क्या आप उस दौरान तीन साल में क्या एक भी दिन कनेक्ट नहीं होते आपके चैट से बात से सब चीजें क्या बॉर्डिशा लग जाती है एक बार प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि यहां पे मुझे ये लॉजिक समझ में ही नहीं आया कि हम तीन साल तक अलग रहेंगे महज साढ़े सत्रह साल की लड़की जो कि नाबालिग कही जाएगी अब उस नाबालिग लड़की के जो भी मुंह से निकला इन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए आप यहां पे बैठ के जो बातें उन्होंने बताई कि मैं वेट कर रहा था और हमारे पेरेंट्स भी अब सवाल उठा रहे हैं ये सवाल क्या इसी दौरान उठने हैं जब बिग बॉस में शिवानी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एयरपोर्ट पर वो छोड़ने इसलिए नहीं गया क्योंकि शिवानी के पेरेंट्स को पता नहीं था शिवानी की फैमिली को नहीं पता था आ, सिर्फ उनकी फैमिली को पता था ये okay. बात yeah. Uh, देखिए मैं तो कहूंगी कि ऐसे सवाल और ऐसी जो बातें हुई हैं खुद ही अपनी बातों के फंस चुके हैं पूरी तरीके से और यहाँ पे हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि एक ऐसे लड़के को इस तरीके से इन्वॉल्व करना स्ट्राइक को लेकर के जबकि एक लीगल प्रोसेस है फेक नहीं है बिल्कुल और इधर उधर वाया घुमाने के बजाय उनको सीधे तौर पर बात करनी चाहिए और अभी जो है हम आगे का स्टेप एक लीगल ले रहे हैं लीगल के दौरान उन्होंने जितनी बातें स्टेटमेंट कही हैं उनको बात साबित करनी पड़ेगी क्योंकि ये इज्जत से जुड़ी हुई है और किस कोई परेशान है मेंटली हेरसमेंट है ये लड़का रात में हमसे इनसे बात हुई मैंने देखा नहीं ये गलत है जब मुझे वो सच्चाई पता है कि स्ट्राइक यहाँ से आई है तो आप अपने पब्लिक को दर्शकों को वो नाम क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपको स्ट्राइक यहाँ से आई है बस मेरा सवाल ये है कि आपको जिसने स्ट्राइक दी आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया साढ़े साल पुरानी स्ट्राइक की आप ईमेल आप लोगों को देख करके वीडियोज बनवा रहे हैं आपने लेटेस्ट वाली ई क्यों नहीं दी मैं मेरा ये सवाल है कि लेटेस्ट ईमेल क्यों नहीं दिया गया वो स्ट्राइक को क्यों इतना घसीटा गया यहाँ तक का चलिए ठीक है, है। अभिषेक आपको और कुछ कहना है तो प्लीज कह दीजिए जी मैम बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्राइक के बारे में नहीं जानते हैं तो स्ट्राइक का ये होता है कि जैसे हमने उन्होंने हमारा कंटेंट यूज किया तो हम एक कम्पलेन सबमिट करते यूट्यूब को अगर यूट्यूब को लगता है कि वो गलत हम सही है तो उसके पास स्ट्राइक चली जाती है यहाँ कोई एक दूसरे कंटेंट यूज ही नहीं कर रहा है फिर हम कैसे स्ट्राइक मार सकते हैं आपने टी सीरीज का कंटेंट यूज किया टी सीरीज ने आपको स्ट्राइक दी और आप नाम मेरा लगा रहे हैं ठीक है और बस मैम यही कहना चाहेंगे तो अभिषेक ने अपनी पूरी बात रख दी है अम, अमित जी ने अपनी बात रखी थी अभिषेक ने अपनी बात रखी है आ, बाकी शिवानी बिग बॉस के अंदर है और जनता स्मार्ट है कि उन्हें क्या करना है वो बेहद अच्छे तरीके से समझती है चीज़ों को थैंक यू अभिषेक हमसे बात करने के लिए थैंक यू अलका जी हमसे बात करने के लिए और सभी सबूत आपको स्क्रीन पर दिखे गए थे खैर देखते रहिए ए बी पी एन एन लाइव थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड्स ए बी पी लाइव प्रीमियम